दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो आज आपको ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताएंगे जो कि एक लड़की के माता पिता ने लड़की के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया और फिर सुबह होकर जब रिकॉर्डिंग चेक किया तो देख कर हिल गए। तो इसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और अगर आप अकेले सोते हैं तो और भी मुश्किल जानने में हो जाता है कि आपने रात भर क्या क्या किया। संसार में हर एक लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोग पूरी रात करवट बदलते हैं और कुछ लोग ऐसे ही नींद में बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ महारथी लोग तो चलना भी शुरू कर देते हैं। ये जाना असंभव है कि एग्जैक्टली जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ एक लड़की के साथ कुछ बेहद डरावना और अजीब हुआ। जब भी वे सोकर उठती तो उसके शरीर पर चोट के नए निशान होते थे। पहले तो ये कभी कभी होता था और चोट के निशान बेहद हल्के होते थे, तो उसके माता पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतने के साथ ही हालत बेहद गंभीर होते जा रहे थे। लड़की के शरीर पर चोट के निशान अब बड़े गहरे और पूरी शरीर पर दिखने लग गए थे, और इस वजह से फैमिली पर समस्या और बढ़ गई क्योंकि लड़की का स्कूल का ग्रुप टूर पर गई, जहां पर लड़की ने शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी और लोगों को उसके शरीर पर लगी चोटों के निशान को देखने में ज़्यादा देर नहीं लगी। टूर का हर नया दिन आता और लड़की के शरीर पर नए चोटों के निशान होते। टूर पर गए स्टाफ ने अथॉरिटी में रिपोर्ट कर दी। वहीं माता पिता को लग रहा था कि ये सब शरीर में आयरन की कमी की वजह से हो रही है, जिसका पता करने के लिए उन्होंने डॉक्टर के पास जाने की सोची। लेकिन वो डॉक्टर के पास जा पाते उससे पहले वहाँ एक एनजीओ को इसके बारे में पता लग गया और वो लोग लड़की के घर पर आ गए। लोगों को किसी ने बता दिया था कि लड़की के माता पिता रोज लड़की के साथ मारपीट करते हैं, इसी कारण से उसके शरीर पर दाग आता है, जिसके लिए एनजीओ के लोग माता पिता को गिरफ्तार करने वहाँ पहुँच गए। लेकिन माता पिता को तो पता था कि वो अपने बच्चे को कभी भी नहीं दुख पहुंचा सकते। बदकिस्मती से सारे सबूत माता पिता के खिलाफ थे। एनजीओ के लोगों ने उस पीड़ित लड़की से बात की, लेकिन लड़की ने अपने साथ कोई मारपीट की बात से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि जैसे ही वह उठती है उसकी शरीर पर ये नए निशान बने मिलते हैं। वहीं माता पिता ने एनजीओ को यह बताया कि वो खुद इस बात का कारण जानना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई थी। एनजीओ ने केस को इसके बाद यहीं रोक दिया। माता पिता लड़की को डॉक्टर के पास लेकर गए और अब डॉक्टर का रिजल्ट का वेट करने लगे। लेकिन लड़की के हर प्रकार के टेस्ट बिल्कुल सामान्य आए। ये बात माता पिता के लिए अच्छी थी कि लड़की बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन बात अभी वही के वही थी कि वो निशान आ कहाँ से रहे थे। अब माता पिता ने ये ठान लिया कि वो इसका समाधान निकाल कर रहेंगे। लड़की के पिता ने बाजार जाकर एक सीसीटीवी कैमरा खरीद लाए और घर पर आ गए और उन्होंने उस कैमरे को अपनी बेटी के रूम में फिक्स करवा दिया ताकि ये पता चल सके कि असल में उनकी बेटी के साथ रात में होता क्या है। रात को लड़की के माता पिता ने लड़की को सुलाकर कैमरा ऑन किया और खुद भी सोने चले गए। अब उनको अगली सुबह आने का इंतजार था। अगली सुबह फिर लड़की के पैरों पर नए चोटों के निशान थे। तुरंत वो मॉनिटर को ऑन किया और रिकॉर्डिंग देखने शुरू कर दी, और जो उन्होंने देखा वो बेहद डरावना था। जब उनकी लड़की सो रही थी वो चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। इसकी असली वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो ऐसे बिना सहारे के हवा में कैसे उड़ सकती है। उसके माता पिता बेहद डर गए। इसके बाद वो डॉक्टर और पुलिस के पास गए और उनको ये वीडियो दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी आज तक पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये क्या हो सकता है, कोई बीमारी कि कुछ और चीज? ठीक से सोच कर कमेंट में जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।